नीतीश कुमार अगर ये चाहते हैं कि वो ब्रिज बने रहेंगे और विपक्षियों को सत्ता तक का रास्ता बनाकर देंगे, तो नीतीश कुमार को ये समझना होगा कि पीएम मोदी के सामने विपक्षियों के लिए जितना मुश्किल सत्ता तक पहुंचना है, उससे ज्यादा मुश्किल नीतीश कुमार के लिए ब्रिज बनना भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ नीतीश कुमार के सामने सिर्फ मोदी नहीं होंगे बल्कि पीके भी होंगे। जी, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, जिन्होंने इस बार लग रहा है जैसे नीतीश कुमार को ही सत्ता से उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है, बिहार में डेरा जमा लिया है। और अब जब नीतीश कुमार अपने राज में बिहार में महामंथन करा रहे हैं, महाबैठक करा रहे हैं, तो प्रशांत किशोर उनके इस मिशन की भी हवा निकालने में जुट गए हैं। क्योंकि विपक्षी एकता के लिए पटना में शुक्रवार को जो बैठक हुई उसमें ही एकता नहीं दिखाई दी। आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे बैठक में तो शामिल हुए, लेकिन विपक्षी एकता में अपनी पार्टी की भागीदारी के लिए अध्यादेश पर समर्थन की शर्त रख दी। फिर बाकी दलों ने भी केजरीवाल से सहानुभूति रखी, लेकिन कांग्रेस को ये बात हजम नहीं हुई, यानी अब पंजाब और दिल्ली के सीएम पर भी शक पैदा हो गया है, जिससे जो नीतीश कुमार और उनके डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव 15 दलों के 27 नेताओं की भागीदारी से फूले नहीं समा रहे थे, उनकी इस खुशी को मानो किसी की नजर लग गई। फिर प्रशांत किशोर भी तो देखिए बिहार में किस तरह से परिवर्तन की बयार बहा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने सोशल मीडिया पर बिहार सरकार के खिलाफ एक तरह से अभियान छेड़ दिया है। चुनावी रणनीतिकार और कभी जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे प्रशांत किशोर की माने तो एकता प्रयास सिर्फ एक दिखावा है। वो कहते हैं कि साथ बैठकर चाय पीने या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से विपक्ष एकजुट नहीं हो जाएगा। प्रशांत किशोर का साफ कहना है, ममता बनर्जी से नीतीश ने मुलाकात की, ममता ने बयान जारी कर दिया, इसे विपक्षी एकता की गारंटी मान लेना एक बड़ी भूल होगी। क्योंकि बैठक में न ममता ने कांग्रेस को कहा कि वो उन्हें पश्चिम बंगाल में लड़ने के लिए जगह देंगी, और न ही कांग्रेस ने कहा कि वो बंगाल को ममता बनर्जी की मर्जी पर छोड़ देगी। फिर किस बात की विपक्षी एकता और कैसी कामयाबी? और फिर प्रशांत किशोर ने तो देश भर की विपक्षी पार्टियों की नहीं बल्कि बिहार की ही पार्टियों को एग्जिट करने का चैलेंज दे दिया है नीतीश कुमार को। उन्होंने कह दिया है कि पहले बिहार का ही फॉर्मूला जारी करते नीतीश कुमार। प्रशांत किशोर ने कहा, नीतीश कुमार जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं वो बिहार का ही फॉर्मूला जारी कर दें कि कांग्रेस आरजेडी और जेडीयू आखिर कितनी कितनी सीटों पर लड़ेंगे, महागठबंधन में जो बाकी अन्य दल हैं वो कितनी सीटों पर लड़ेंगे। फिर नीतीश कुमार को नसीहत देते हुए प्रशांत किशोर ने ये भी कहा, बिहार में फॉर्मूला जारी कर देंगे तो दूसरे राज्यों में जाएंगे, तब जाकर दूसरे राज्यों के दल के लोग आपको गंभीरता से लेंगे। कुछ इसी तरह की बातें और कुछ इसी तरह के सवाल प्रशांत किशोर सीएम नीतीश कुमार से पूछ रहे हैं, जो नीतीश कुमार क्या साथ होने का ढोंग करने वाले किसी भी विपक्षी पार्टी के गले नहीं उतरेंगे। क्योंकि साथ दिख भले ही जाए लेकिन साथ हो नहीं सकते हैं। किसी भी चीज को लेकर सभी विपक्षी पार्टियों में सहमति बन जाना एक तरह से नामुमकिन है। अब देखिए ना, कहां नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बात करते हैं, उसके लिए अपने राज्य में महाबैठक का आयोजन करते हैं, और फिर चार दलों को न्योता तक नहीं दिया नीतीश कुमार ने। विपक्षी बैठक से तेलंगाना के सीएम केसीआर, जेडीएस के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, बीएसपी सुप्रीमो मायावती और वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी बैठक में थे ही नहीं। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक बैठक में शामिल नहीं हुए। नवीन पटनायक को तो मनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन बाकी दलों को तो नीतीश कुमार ने न्योता तक नहीं भेजा। और अब यही नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बात करते हैं, और अब तो केसीआर भी विपक्षी एकता को फेल करने की तैयारी में जुट गए हैं। विपक्षी एकता की हवा निकालेंगे केसीआर? तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर विपक्षी एकता को सफल नहीं होने देना चाहते। उन्होंने महाराष्ट्र में अपनी पार्टी के विस्तार की योजना बनाई है। विदर्भ और मराठवाड़ा में पिछले कुछ दिन में उन्होंने रैलियां भी की हैं। महाराष्ट्र में वो किसान प्रकोष्ठ के जरिए किसानों से जुड़ना चाहते हैं। बीआरएस की महाराष्ट्र में सक्रियता से महाविकास अघाड़ी की नींद उड़ी हुई है। और अगर इसी तरह से जेडीएस की बात करें तो जेडीएस तो पहले ही बीजेपी के साथ जाने के संकेत दे चुकी है। जेडीएस ने बीजेपी के साथ जाने के दिए संकेत। कर्नाटक में हार के बाद जेडीएस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा बीजेपी से अपनी नजदीकी बढ़ा चुके हैं। अभी हाल ही में देवेगौड़ा ने कहा था, शायद ही कोई पार्टी होगी जिसका बीजेपी से कभी न कभी कोई संबंध ना रहा हो। बीजेपी को भी जेडीएस का साथ पसंद आएगा, इसीलिए कि दोनों मिल गए तो कर्नाटक में बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में कामयाबी आसान हो जाएगी। कुल मिलाकर लग नहीं रहा कि विपक्षी एकता की विपक्षी दलों की ये कोशिश कभी भी सफल हो पाएगी। अभी तो सामने नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। वहीं अगर इन विपक्षी दलों के सामने कोई और भी होता ना, तो
तो भी इस तरह से सत्ता हासिल करने तक कभी भी नहीं पहुंच सकता था। तभी तो प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि नीतीश कुमार पहले ऐसा करें कि बस बिहार के लिए ही फॉर्मूला तय करके बता दें, बाकी पूरे देश को छोड़ दें। लेकिन लगता है बिहार की पार्टियों को लेकर भी नीतीश के लिए फॉर्मूला तैयार करना आसान नहीं होने वाला है। वैसे प्रशांत किशोर ने जिस तरह से नीतीश कुमार का रास्ता रोका है, जिस तरह से उन्हें चैलेंज किया है, उससे तो लगता है जैसे नीतीश विपक्षी एकता के सर्वे सर्वा बनकर अपने लिए ही मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। वैसे आपका नीतीश की इस कोशिश के बारे में क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।